नवोदय विद्यालय की 11वीं की छात्रा के संगठित मौत के पब्लिक में गम और गुस्सा है। और वही मैनपुरी के आज सैकड़ों महिला के समेत लोगों ने स्कैंडल मार्च किया गया है। हाथों में ताकिया और किए गए हुए वी वेंट जस्टिस के लिखे हुए वे आगरा के रोड पर शहीद पार्क पे पैदल मोर्चा कर वह अनुवासन से कैंडल जलाकर वह एवं 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई है। मतिरिक्त यात्रा के परिजनों ने मामले के सीबीआई के लिए जांच की मांग की गई है। वहीं पर मतिरिक्त के पिता और मां ने भी सीबीआई की जांच की मांग करते हुए कहा है कि चाहे मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन अपनी बेटी को न्याय दिलाकर ही रहूंगा। और मतिरिक्त के मां ने भी पुलिस के प्रशासन के गंभीर रूप लगाए हुए हैं और कड़ा ही अगर सुनवाई नहीं हुई तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। और मतिरिक्त के चाचा ने नवोदय विद्यालय से भी किसी से भी बड़े स्कैंडल चलाने के लिए भी बात कही है और कहा है कि कोई भी ना कोई वह सफेद पोश इसके पीछे जिस तरह के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में फिर बदल दिया गया है। पूरी बात बताइए कि किस तरह से उसे टॉर्चर किया गया, क्यों मारा गया, क्या देखा था उसने? ऐसा मेरे पास कोई भी सूचना नहीं थी उसकी हत्या हुई जी, और उसकी कोई अभी तक कोई सूचना नहीं है, ना कोई कार्रवाई की। आज तो उन्होंने शांतिपूर्वक अपना कार्य किया, अगर 12 घंटे के अंदर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो अब हम इसको आगे बढ़ाकर ले जाए। क्योंकि जिस तरीके घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से प्रशासन ने सारी चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश करी, मेडिकल रिपोर्ट को आंखों देखे बिल्कुल मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, जो जिंदा फैक्ट थे जैसे उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, खरोंच के निशान जो मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की थी, उन सब चीज़ों को बिल्कुल हवा उड़ा दिया गया एकदम से। इस तरीके से ऐसा लगता है इसके पीछे किसी न किसी बड़े शख्स का हाथ है, जिसको बचाने के लिए पूरा प्रशासन लीका पोती करने में लगा हुआ है। इतनी मेधावी बच्ची इस तरीके से अगर आप हत्या करेगी, माहौल जो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जिस तरह उद्वेलित हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे पूरा शहर, पूरा जनपद उद्वेलित है, हर आदमी आक्रोशित है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमने मैनपुरी जनपद की नहीं, हमने उत्तर प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की एक बहुत ही मेधावी छात्रा को, हिंदुस्तान के भविष्य को खोया है। अनुष्का कोई साधारण छात्र नहीं थी। अनुष्का के हमें पूरा न्याय चाहिए। अभी तो हम कम मांग कर रहे हैं, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, पति और पत्नी दोनों के, हम अपनी बच्ची को न्याय दिला करके ही रहेंगे। अच्छा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है वो बिल्कुल गलत है, निष्पक्ष नहीं है, मेडिकल निष्पक्ष नहीं हुआ है। अगर निष्पक्ष मेडिकल होता तो डीएम साहब अंदर क्यों बैठते हो, वहाँ पे जहाँ मेडिकल हो रहा था? भेज जो लेडीज, जो लेडीज डॉक्टर थी उस पर प्रेशर डाल के, मतलब ये गलत मेडिकल बनवा के उसमें मतलब बोला गया है। क्या वजह थी? सारे बच्चों से बटवाया, पूरी जैसे मुझे ये बताया गया है नमकीन चुरा ली 2 साल पहले, वो बात आज सामने क्यों आ रही है? वो चीज उस पर 48 थप्पड़ मारने का तो कोई वो ही नहीं है, बेकार के बहन का बात हो रही है, मतलब उसको टॉर्चर किया जा रहा था। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन